राम राम भाई सारे भाई ने, यो भाई अपने बीच है, राम राम भाई, राम राम फेटा भाई मामला बढ़िया। चलो भाई एस एस सी डी डी के फिजिकल चाल लेता हूँ ने बेरा भाई सार भी एस एफ कैंप था भाई करे हैं, तो यो भाई करका ये आया है भाई क्वालीफाइड करे, यो क्वालीफाइड पर यो मिल रहा है भाई। हाँ भाई एक पर्चा और दो तीन चार पन्ने रहे उनमें फोटो फाटो लगे हुए, खुद रख ले। ठीक भाई ठीक, वो खुद रख ले, यो दे दे हैं, यो पर्चा मिला क्वालीफाइड है, क्वालीफाइड का। ठीक है भाई, तो भाई जो करे के कुछ होया, किस टाइम एंट्री हुई, उसके बाद के कुछ प्रोसेस होया, आईटी टेस्ट जो भी इतना उसके बारे में बता भाई। भाई नो है कि आपा चार साढ़े पाँच का सबका एंट्री टाइम सेम है, तो उसके बाद आपा जितना जल्दी हो उसका उतना जल्दी जाना है आपा ने। अच्छा नो को नहीं कि भाई 5 बजे जाओ है, लगभग 3:30 पूछ जाएगा तो पहला बैच में नंबर है, अगर 4:30 पूछा तो दूसरा बैच में नंबर आ जाएगा। अच्छा हाँ। आज एक भाई और उड़े नहीं है पंचकुला में भी है, वो भी आए बात कह रहा था। हाँ, भाई 3:30 बजे लाइन लगवा दी थी, हम 4:30 बजे पूछे तो बालक कम से कम 100 से ऊपर जा लिए, 100 जना का एक बैच ही सार भी सब कैंप में, तो फिर ऑटो मिल जाए सारता है 3 बजे। हाँ, तो चाहिए 2 बजे ले भाई, ऑटो की कोई दिक्कत नहीं, गणेवाल को ऑटो बस की कोई दिक्कत नहीं भाई, सार रहो बस स्टैंड रुको या रेलवे स्टेशन रुको, अपना ऑटो पूरी रात चल रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भाई, और भाई उसके बाद 4:30 बजे एंट्री, हमने 4:30 बजे ली, बल्कि 3:30 बजे लियो जो भाई पहला बैच में भागना चाहे, पहला बैच भाग लियो तो भाई लगभग सारा काम उठे, हाइट उइट एक बार शुरू हाइट ले, उसके बाद 4:30 बजे हम गए, उसके बाद ये अपने भाई उनकी पहला बैच 6:30 बजे दौड़ा दिया था हमने उड़े। अच्छा। मेरा तो सेकंड बैच में नंबर था, मारा भी लगभग 7:30 का समथिंग, कल भी वही टाइम था, पहला बैच 6:30, दूसरा 7:30, दूसरा 7:30, हम 7:50 पे जा लिए थे, ठेठ क्वालिफ मतलब रेस हो ली थी। अच्छा, 3 किलोमीटर 3300 मीटर, हाँ 3300 बताओ, बाहर है 1700 अंदर के, अंदर का किस तरह का है भाई ग्राउंड? अंदर भाई रोड है वही जो बाहर है, पर रोड थोड़ा खराब सा है लेकिन बढ़िया है, कोई दिक्कत ना है, घबराने की कोई बात नहीं, कोई बात को ना, अंदर सारे सांस बढ़ाओ कि भाई बढ़िया है, क्वालिफाई कर देगा और भाई हौसला दे, कोऑपरेटिव है स्टाफ, कोऑपरेटिव स्टाफ है, बढ़िया स्टाफ है, लोगों ने कि भाई कोई कम बालक जो जा रहे हैं जोर लगवाते हैं उसका कोई ये दिक्कत वाली बात, हाँ हौसला दे तेरे, चल भाई बाज भाई चल भाई, या चीज मन ने भी देखी 2 दिन हो रहा, पूरा सांस दे इन्हों को कि भाई आप पीछे रह गया तो भाई ना भाई, एक बालक था हमारे बैच में तो वो भाई एक दूसरे छोरे ने पकड़ के लिखा है 200 मीटर तक पीछे था अपने साथ के, बढ़िया सब तारीफ कर रहे हैं भाई, नो को फौजी भाई सब बढ़िया तारीफ कर रहे हैं उनके स्टाफ। उसके बाद रेस हुई, रेस के बाद माने पर्चा दे दिया, रेस के बाद मिल जाए, उसके बाद यू मिल जाए ये पर्चा, 4-5 पन्ने रहे हैं, एक पर्चा और दे हैं, सीरियल नंबर बताऊं, सीरियल नंबर भाई याद रखने है खासकर, बिना सीरियल नंबर भूल गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, सीरियल नंबर याद रखना, सीरियल नंबर बाहर नहीं दे देंगे थाने एंट्री टाइम पे। और उसके बाद अपने हाइट चेस्ट खातर ले जाए हैं, वो नंबर आओगा हाइट भाई अपने जिसकी चेस्ट थोड़ी कम है, डिप्स डुप्स बता देंगे, वे सारी कोऑपरेटिव स्टाफ है पूरा। अच्छा। ना कि भाई सब बता देंगे, वेट कम है तो भाई पानी पी ले, वेट वोट का सब इस पर्चे में लिखा पाओगे। अच्छा। जो 2-3 पर्चे देंगे उसमें कि भाई कितनी हाइट है, कितनी वेट, कितनी एज के अनुसार कितना, क्यों करना पा भाई मशीन है क्या हाइट क्या ना भाई, हाइट की तो फट्टा है उसमें। अच्छा। करवा दें। और चेस्ट की तनाप है भाई, चेस्ट भाई ऊपर तक दो जने थे, एक तो तेक ढील दे रहा था बालका ने, एक थोड़ा टाइट राख रहा था, मतलब ऊपर तनाप बस फिर ठीक है, मतलब की इतनी वाक होने चेस्ट में पूरी छूट दे देंगे। अच्छा अच्छा 2 सेंटीमीटर और बस उसके बाद दिए पाचे पर्चा दे देंगे, थोड़ी देर बैठे रहेंगे। मारा तो भाई 1 बजे बैच खत्म हो लिया था, सेकंड बैच फर्स्ट बैच 12 बजे खत्म हो गया था। या और जो मान ले डिस्क्वालीफाइड होगा, डिस्क्वालीफाइड तो भाई लगभग 10-10:30 बजे निकाल, और क्वालीफाइड पहले बैच वाले 12 बजे निकल गए थे सारा काम। तू भाई किस टाइम आया? मैं भाई 1 बजे आ लिया। अच्छा ठीक, 1 बजे पूरी 1 निकल उठा, ठीक है। उसके बाद अपना ये जो करवा के 2-3 ये पर्चा दे देंगे थाने, अब भाई इतने बजे सारे बता देंगे मेडिकल में क्या क्या चीज होगी, और कोई इंक्वायरी लेनी है तो भाई फौजी भाई सारी बता देंगे। अच्छा। स्टाफ बढ़िया है कि इतनी ये करना है थाने मेडिकल पे, इतने नंबर ही सब कुछ बता देंगे, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बैच में कितने बालक बजाव है भाई? एक बैच में 100 बालक, पहले बैच में 100 बालक थे और दूसरे बैच में हमारे बैच में थे 123 बालक, फिर उसमें 100 में कितने क्वालिफाई हुए रेस में बेरा हो भाई?
मैंने तो टोटल भेरा है 223 बालक थे। हाँ 123 सर, 223 टोटल हो गए बालक थे, उसमें तो 56 बालक तो रेस में निकल गए थे। अच्छा, अच्छा मिला हाँ। और तीन बालक मेरे बैच में, पहले बैच में तो एक भी हाइट टेस्ट में निकाला नहीं, तीन बालक मेरे बैच में उनका 0.5 0.5 कुछ हाइट रेस के बाद जो हाइट बढ़िया तरी ना पाउस में, तीन बालक हाइट में निकले थे, हाइट में निकल गए। ठीक है भाई, चलो यह थी सारी जानकारी, सारी इंक्वायरी, बढ़िया स्टाफ है, एक नंबर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, तू इंस्टाग्राम चला हुआ है? चला। चलो भाई, इस भाई तक अगर तुमने बात करनी हो तुमने लागत तो मैंने कोई सवाल पूछ दिया तो इसकी इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूँ अपने इंस्टा पर, पोटा वो लोग इंस्टाग्राम पर जाकर तुम इस तक खुद भी बात कर सको, मेरे तक भी पूछ सको। ओके भाई, तो एक नंबर की जानकारी दी, आगे भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। यो भाई और है कुनारनोल अपना, एक राम राम भाई, अक्कू भाई ने बहुत एक नंबर है भाई, अक्कू भाई ने फुल सपोर्ट करा भाई, फुल सपोर्ट, तेरी तारीफ कर रहा था यो मगा कौन है नुला, एक नंबर भाई अपना बचपन तक खेल रहा है, लंगोटिया यार है, और इसका फिजिकल क्लियर करवा के लेके जावांगे भाई, मौज कर दी ना ना आगे भी भाई, देखे तो नहीं इतनी बहुत बढ़िया काम करया, शक्ल ते भी तू घना शरीफ सा लाग गया भाई, और काम बढ़िया हुआ भाई के। कितने नंबर है भाई अपने? उनहत्तर नंबर। चलो भाई काम चल रहा है, ठीक है, चढ़ती उम्र है कि सारे काम बढ़िया हुआ। राम राम भाई, ओके भाई, एक नंबर आईडी बच्ची है, रंगा रंग रंगा रंग।